एयरलाइंस की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पर लाते हैं ऐसी खबरें जो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलती हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आज की सुबह की वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आज वंदे भारत मिशन के तहत कोलकाता एयरपोर्ट पर जो पहली फ्लाइट लैंड हुई है उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाकर देंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि वंदे भारत मिशन के तहत कोलकाता एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट 17 मई को लैंड हुई। क्या रीज़न था इसके पीछे का कि फ्लाइट 17 तारीख को लैंड हुई, तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक कारण बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार और वेस्ट बंगाल की सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी किसी भी टॉपिक को लेकर। लेकिन जब फ्लाइट कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो रही थी तो राज्य सरकार के एक मंत्री ने जब सरकार से ये सवाल किया कि कोई भी फ्लाइट कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड क्यों नहीं हो रही है, तो इसके पीछे सरकार का ये जवाब आया कि सरकार को अभी तक कोलकाता एयरपोर्ट से क्वारंटाइन की स्थिति को लेकर कोई भी अपडेट नहीं मिल पाया है, जिस कारण से फ्लाइटें कोलकाता एयरपोर्ट पर नहीं जा पा रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये ट्वीट जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद बीते कल कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की पहली फ्लाइट लैंड हुई। इस फ्लाइट में टोटल 169 पैसेंजर्स भारत आए, जिसमें 73 स्टूडेंट, 16 बुजुर्ग लोग, 45 टूरिस्ट और 16 मेडिकल इमरजेंसी के केसेस थे, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला शामिल थी। आपको बता दें कि ये सभी लोग बांग्लादेश के अलग अलग हिस्से से कोलकाता के एयरपोर्ट पर लैंड हुए। फ्रेंड्स, इसके बाद अब इन सभी लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि कोलकाता एयरपोर्ट पर वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट क्यों नहीं आ पा रही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम ऐसे ही डिटेल एनालिसिस की वीडियो लेकर आते रहते हैं।